बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सरकार और सरपंचों के बीच एक बार फिर से ठनी ही नजर आ रही है इस फैसले को लेकर कि डिजिटल कर दिया जाएगा सारे सिस्टम को। कल रात को सीएम आवास पर एक बड़ा ड्रामा देखा गया था और आज की अगर बात कर ले जाए, सरपंचों ने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के नेताओं और साथ ही मंत्रियों को गांव में घुसने नहीं देंगे अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये इतना बड़ा मामला है? आखिर ई सिस्टम से इतनी परेशानी क्यों है? डिजिटल होने में समस्या क्या है? और ग्राम सचिव सरपंचों के साथ प्रदर्शन क्यों कर रखे हैं? ये प्रदर्शन किया जाना क्या वाकई जरूरी है? जब सरकार कह रही है कि ग्राम सचिव प्रदर्शन ना करें, ये कमाई खत्म होने का डर तो नहीं, या फिर वजह कोई और है? तो पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे सरपंच, पंच और ग्राम सचिवों को बैठक के लिए सीएम आवास में बुलाया गया था और 45 लोगों को बुलाया गया था। ये डेलीगेशन सीएम आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचा, लेकिन सरपंचों का आरोप ये है कि वहां उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद सियासत गरमाने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव से सड़कों पर, घर से बाहर, साहब ये है छोटी सरकार। गांव के बाहर लगाएगी बोर्ड, अपने साथियों से करेंगे अपील, बीजेपी का कोई नेता मंत्री गांव में नहीं घुसना चाहिए। हम बदला लेंगे सरकार, बेइज्जती का बदला लेंगे। हड़ताल पर रहेंगे हम, प्रत्येक ब्लॉकों पर अपने ताले लगाएंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत से हम अपील करेंगे कि अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाए और प्रस्ताव पारित करे और उसमें ये लिखवाए, फरमान जारी कर दे कि बीजेपी का कोई भी मंत्री और कोई भी कार्यकर्ता हमारे गांव की ग्राम सभा क्षेत्र के अंदर घुसना नहीं चाहिए, इसका अंजाम बुरा होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रोटेस्ट, किसानों के धरने, गैस टीचर्स का प्रदर्शन, जाट आरक्षण, मिड डे मील वर्कर का आक्रोश, लैब सहायक और कंप्यूटर टीचर्स का गुस्सा और अब सरपंचों का प्रदर्शन। कब तक जनता अपनी मांगों को लेकर यूं ही प्रदर्शन करती रहेगी? कब तक ये लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर बैठे रहेंगे? आखिर कब तक सरकार इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं करती? क्या सरकार को जनता से मतलब सिर्फ चुनावों तक का है? इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाती है तो उनकी बेइज्जती कर उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छोटी सरकार यानी सरपंचों की, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा। सीएम साहब ने उनकी मांगे सुनने के लिए उन्हें अपने आवास पर भी बुलाया, लेकिन जब भी सरपंच इकट्ठा होकर सरकार के आवास पर पहुंचे, तो सीएम साहब ने उनकी बात सुने बिना उन्हें बेइज्जत कर वहां से निकाल दिया। आइए आपको सुनवाते हैं गुस्साए सरपंचों का क्या कहना है। भाइयों, महाराज जो कट्टर साहब ने कोठी में बुला के धक्के मरवाए हैं भाई, और कंपनी बुला ली, बोले मारो इनका लट सरपंच आके, जमा बेइज्जती करी है भाई, धक्के मार के ताए हैं भाई, और इस बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री से लेंगे भाई, रोड के ऊपर लेंगे भाई बुला के। आज इसने भारी बेइज्जती करी है, इसका अपमान का बदला लेंगे भाई सारे। पंचकूला में अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में हरियाणा भर से पंच, सरपंच और ग्राम सचिव इकट्ठा हुए और पंचकूला से चंडीगढ़ के लिए सीएम आवास के घेराव के लिए निकले। लेकिन पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेटिंग कर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। उसके बाद करीब 60 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया। देर रात तक मुख्यमंत्री और सरपंचों के बीच बातचीत चली, लेकिन इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई ई पंचायत प्रणाली को खारिज करने, हरियाणा पंचायत एक्ट 1994 को पूर्णतया लागू करने, सरपंच को दिए जाने वाले मासिक वाहन भत्ते को बढ़ाने, पेंशन लगाने और अन्य मांगों को लेकर सरपंच प्रतिनिधि मंडल प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सियासत अब पूरी तरह से गर्मा गई है। नेता और मंत्री राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि सीएम हरियाणा ने आज चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को घर बुला अपमानित किया और घर से निकाला, वार्ता के लिए न्योता दिया, बगैर बात सुने ही सब बातें खारिज की। सुरजेवाला ने कहा कि चुने हुए नुमाइंदों की बात भी नहीं सुनेंगे तो फिर आम जन का क्या होगा? प्रजातंत्र में इस अहंकार की जगह नहीं है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि अभय चौटाला ने खबरें अभी तक पर क्या कहा है। मुख्यमंत्री को कम से कम अपने घर पे किसी डेलीगेशन को बुला करके बेइज्जत करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री अगर उनकी किसी बात को ना सुनना चाहता था तो मुख्यमंत्री को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। घर में बुला करके धमकाने, मतलब किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से धमकाया गया सरपंचों को, सरपंचों के साथ साथ जो सचिव जो गए जो यूनियन उनकी थी उनको किस तरह से इन्होंने धमकाया। इनको कहते हैं कि या तो तुम अपना ये जो एजिटेशन है खत्म कर दो वरना हमें आप लोगों से सल्ट ना आता। कब तक सरपंच प्रदर्शन करते रहेंगे? कब तक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर धरना देंगे? क्या कोई उनकी सुनेगा? क्या कोई उनकी समस्याओं का हल करेगा? सीएम साहब कम से कम उनकी बातों को तो सुन लो कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्हें बेइज्जत मत करो। ये वही जनता है जिसने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है और आज ये वही जनता जो अपनी मांगों को लेकर आपके आगे हाथ फैलाए खड़ी है। अब तो सुन लीजिए इनकी कहना क्या चाहते हैं ये लोग आपसे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। इसी विषय को लेकर बहस भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, 9 ग्राम सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रखी है कि वही ग्राम सचिव बताए गए हैं जो कि कल सीएम आवास पर पहुंचे थे, डेलीगेशन में ये लोग शामिल रखे थे। सरकार का पक्ष एक है कि सरपंच या फिर पंच पंचायतें इस तरह का प्रदर्शन कर सकती है, ये लोग उनके साथ शामिल ना होते, प्रदर्शन में शामिल ना होते तो तुरंत प्रभाव से इन लोगों को निलंबित किया गया है। हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स के उल्लंघन का इन लोगों पर आरोप लगा है। इससे पहले भी इन लोगों को कहा गया था कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरी आप लोग कर रहे हैं, चुने हुए लोग आप नहीं हैं, आप इस तरह से खिलाफत में शामिल नहीं हो सकते। तो तत्काल प्रभाव से 9 ग्राम सचिवों को निलंबित किया गया है, ये फैसला लिया गया है। तो ये मामला जो है साफ अब हो रहा है कि बड़ा मोड़ ले सकता है, राजनीति इस मामले में हो रही है, इसमें कोई दोराय नहीं, विपक्ष साथ दे चुका है। इस बीच सरकार की ओर से एक्शन लिया जाना इस मामले को बड़ा जरूर कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको दे रखी है, सरपंचों का साथ देना ग्राम सचिवों को महंगा पड़ा है। 9 ग्राम सचिव जो कि डेलीगेशन का हिस्सा रखे उनको निलंबित कर दिया गया है तुरंत प्रभाव से। चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे, खास पैनल मेरे साथ है। संजय शर्मा हैं हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता आप हैं, साथ ही रविंद्र ढुल हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता आप हैं, और केवल ढींगरा साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर श्याम सखा श्याम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साथ ही सुनील शर्मा सरपंच और नरेश धनखड़ प्रधान ग्राम सचिव आप हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। संजय शर्मा जी, क्या इस तरह से समाधान होगा सस्पेंड किए जाने से, निलंबित किए जाने से? देखिए ज्योति, सरपंचों की कुछ मांगे हैं और सरकार उन मांगों को सहानुभूतिपूर्व से सुन भी रही है और उस पर विचार भी करना चाहती है, लेकिन जिस तरह का काम ग्राम सचिव अपने जो सर्विस रूल्स हैं उससे बाहर जा कर के एक तरह से सरपंचों के साथ मिल करके या सरपंचों को मिस गाइड करके कुछ अपने हित साधना चाहते हैं, अपनी कुछ बातों को सरपंचों के माध्यम से मनवाना चाहते हैं। यानी कि हालांकि पढ़े लिखे सरपंच हैं हरियाणा में और ये भारतीय जनता पार्टी की पहल पर ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा बरगलाने का जो प्रयास करके और सरकार के खिलाफ एक तरह से लड़ाई करने का मूड बनाया है सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, उनको अगर अपनी मांगों के लिए कोई बात करनी तो सरपंचों को सामने नहीं करना चाहिए था, वो अपने लेवल पे करते। कोई आंदोलन भी करना है, कोई ज्ञापन भी देना है, कोई मंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, तो सरकार हमेशा तैयार रहती है। लेकिन इस तरह से करना, अपनी चीजों को बनवाने के लिए कोई टूल के रूप में किसी दूसरे को उपयोग करना, आपको लगता तो सरकार बिल्कुल सहन नहीं करेगी? तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? वाकई आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ कि वो प्रयास कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन कुछ लोग उसको उनको इस तरह से ले रहे हैं, तो सरकार इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। उसी का परिणाम है कि कुछ लोग जो इस तरह का बीड़ा उठा करके आगे बढ़े उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, अनुशासनात्मक कार्रवाई है और सरकार ने सर्विस रूल के हिसाब से जो डेलीगेशन का हिस्सा रहा उनको सस्पेंड कर दिया गया, उन लोगों को, बाकी लोगों पर भी सरकार एक्शन लेगी फिर? देखिए ग्राम सचिव हैं सड़कों पर। देखिए ज्योति, एक जो सरपंच है या पंच है वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधित्व करता है,
उस प्रतिनिधित्व के आधार पर वो सरकार से अपनी सब मांगों को मान सकता है, कह सकता है, लेकिन उसका एक सिस्टम है, वो कर रहे हैं। लेकिन ग्राम सचिव उनको सामने करके, उनको ढाल बना करके और सरकार को बदनाम करने की या सरकार को अपना इस तरह का राजद्रोह मैं तो कहूंगा वो करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ नहीं आता क्या कि आप लोगों का फैसला क्या है, उनको परेशानी क्या है, क्या उनकी मांगे अपनी जगह पे ठीक नहीं, क्या उनको वाकई जरूरत है कि ग्राम सचिवों के साथ चलें? देखिए, सरपंचों की जो मांगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, हमने पहले दिन से कहा कि हम उस ढर्रे पे चलने वाली व्यवस्था पर नहीं चलेंगे, हम चीजों को सुधारेंगे, हम व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे। उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ काम किए, ठीक है, जिसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी परिवर्तन था, जिस जो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट तक की, हमने वहां भी लड़ाई लड़ी और हमने पढ़ी लिखी पंचायतों का जो फैसला लिया था उसको हमने लागू किया। पढ़ी लिखी पंचायतें हमने चाहते हैं बनाए जाने की कोशिशें ग्राम सचिव कर रहे हैं। धनखड़ साहब बोलिए, अगर ये ग्राम सचिव दसवीं पास ग्राम सचिव है और दसवीं पास सरपंच को क्या बरगला देगा क्या? आप बताइए, क्या ये बरगला देंगे क्या? और अगर फिर आपने ग्राम सचिव अगर सरपंच को बरगला सकता है तो फिर आपने ये पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई क्यों थी? तो हमने ये कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि हमने सरपंचों को बरगलाया हो या गुमराह किया हो या इनको आगे किया हो। और पंचायती राज एक्ट के रूल नंबर 15 में ये किया लिखा हुआ है कि ग्राम सचिव सरपंच के अधीन रह के कार्य करेगा। तो जो सरपंच की मांग है, जो समस्याएं आती हैं, उनका हमें पूर्ण रूप से निदान करना करवाना होता है, उनको हम बताते हैं ये समस्याएं हैं। लेकिन आप लोग चुने हुए लोग नहीं हो सरपंचों की तरह, तो ये जो थोड़ा सा अंतर है जिसको सरकार कहना और समझाना भी चाह रही है, क्या आप लोगों को समझ नहीं आता कि आप लोग इस तरह से शामिल नहीं हो सकते इस तरह के प्रदर्शन में? इससे पहले भी हमने कोशिश की थी, अपने स्तर पर भी प्रदर्शन किए थे, और फिर सरपंचों ने कहा कि आप हमारे साथ आओ, और जो जिनके तहत हम नियम के तहत जिनके अधीन हम काम करते हैं वो हमें कहेगा तो हमें जाना पड़ेगा। केवल ढिंगरा जी, अभी जिस तरह से सस्पेंड किए गए हैं 9 ग्राम सचिव, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार नकारा सरकार है, ये सरकार पब्लिक की सरकार, पब्लिक से वोट लेके बनती है, लेकिन इस सरकार ने पब्लिक से वोट लेके पब्लिक से नाता तोड़ लिया है। असल में ये लोग काम नहीं करना चाहते पब्लिक का, इसी वजह से ये लोग जो मिलने इनको जाता है उसी को ही सस्पेंड कर देते हैं। ये सरकार देखिए किस तरह की सरकार अब हमारे हरियाणा के अंदर है, जो लोग अपना प्रतिनिधित्व लेके जाते हैं राजा से मिलने कि हमें ये मांग है हमारी, हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए, वो राजा उनको सस्पेंड कर देता है कि भी तुम भाग जाओ यहां से, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तो फिर वोट क्यों ली थी? आप ये चीज को देखें कि एक तरफ तो वोट मांगने दर दर ऐसे कटोरा लेके जाते हैं और इस दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को सस्पेंड करती है, तो नकारा सरकार हुई ना ये। और दूसरी बात, ये कहते हैं जो संजय शर्मा जी जो उनके माध्यम से टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं कि हम उस ढर्रे पे नहीं चलेंगे, तो फिर आप वोट मांगने किस ढर्रे से जाएंगे? वो तो सीधी बात कह रहे हैं कि आप हमसे वोट मांगने भी कल आओगे, तो 5 साल तो बीतने वाले, 4.5 साल हो गए आपके, अब आप जब वोट मांगने जाओगे तो वो किस बिना पे मांगोगे जब आप उनके काम नहीं करना चाहते, जब आप ग्राम सचिव के काम नहीं करना चाहते, जब आप सरपंचों के काम नहीं करना चाहते, कर्मचारियों के काम नहीं करना चाहते, बिजनेसमैन के काम करना नहीं चाहते, तो सरकार जो है किसान का काम नहीं करना चाहते, तो सरकार किस लिए बनी? सरकार लोगों की भलाई के लिए बनी या उनके साथ धोखा करने के लिए बनी? तो ये नकारा सरकार इसी करके अपने ढर्रे से खुद गिरेगी। रविंद्र ढोल साहब, क्या पूरी जो स्थिति है उसको सरकार कंट्रोल कर लेगी इस तरह के डिसीजन लिए जाने से? इस तरह के डिसीजन से बिल्कुल भी नहीं हो सकती ज्योति, है सबसे बड़ी बात यह आपत्तिजनक है जिस प्रकार ग्राम सचिवों को इन्होंने सस्पेंड किया है। इस अनुसार तो कोई भी कर्मचारी यदि सरकार का हो उसे तो सड़क के ऊपर आना ही नहीं चाहिए अपनी मांगों को लेकर के। पहले रोडवेज के कर्मचारी आए, कभी सर्व कर्मचारी संघ आया, पीछे आंगनवाड़ी के भी कार्यकर्ता आए, ये सभी आते हैं अपनी मांगों को लेकर के। यदि पुराने समय से मांगे चल रही है उनको मनवाने के लिए अगर डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाता है तो उसमें गलत क्या है?
पहली बात। दूसरी चीज ये है कि सरपंच और ग्राम सचिव जो है पंचायतें, ये एक ही सिस्टम का हिस्सा है, पंचायती राज का हिस्सा है। इन्हें अलग अलग करके देखना कहीं ना कहीं जो है पंचायती राज सिस्टम के साथ में एक अन्याय होगा। उस अन्याय से हमें बचना चाहिए, सरकार से बचना चाहिए। सरकार को कि जरूरी है इस जगह पर इनकी मांगों के ऊपर विचार करके तुरंत प्रभाव से कोई एक्शन ले। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि सरपंचों को और पंचायतों को जो है सड़क के ऊपर आना पड़ा। एक तरफ आप बात करते हो रिफॉर्म्स की और दूसरी तरफ जो है आपकी इस पंचायतें पूरी की पूरी जो जहां से आपका सिस्टम चलता है, हरियाणा की 6200 पंचायत आज सड़क के ऊपर है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है ग्रामीण विकास के लिए। सुनील शर्मा जी, क्या सरकार पर दबाव बनाए जाने की कोशिश है कि ग्राम सचिवों को भी आप लोग साथ लेकर चल रहे हैं? हालांकि बीजेपी का पक्ष ये है कि ग्राम सचिव आप लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, टूल के तौर पर आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि संजय शर्मा जी ने कहा। मैम, सबसे पहले तो मेरा आप सबको नमस्कार। पंचकूला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सभी हरियाणा के ग्राम सचिव और सरपंचों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैम ऐसा है, हम किसी की साथ जबरदस्ती किसी के हिस्से नहीं। हम जब हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, काम का कोई तरीका सही नहीं है, तो हम उसके लिए कल रोड पे उतरे। उससे पहले हमने ज्ञापन डीसी के, उपायुक्त महोदय के, सारे स्टेट के अंदर दिए। फिर जब लास्ट में जब हमारा कोई प्रोसीजर नहीं निकला तो हमारे को कल रोड पे आना पड़ा। उससे पहले भी हमने वहाँ ऐसा था कि जैसे ग्राम सचिव हमारे साथ हैं, ये एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। अब ऐसा है, हमारे पास जो है 6205 पंचायतें हैं हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास 1633 ग्राम सचिव हैं। अब ये 1633 ग्राम सचिव के इससे 1205 सरपंच रोड पे उतरे, फिर उसके साथ में पंच भी हैं। अरे पढ़ी लिखी सरकार के सारे जो भी है पढ़ी लिखी सरकार के अंदर आते हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। किसी के कहने से कोई कुएं में छाल लगा देगा मैम? ये सभी जब किसी का कोई काम नहीं, और ये कोई पैसे देके भीड़ इकट्ठी नहीं की गई थी कल, पैसे देके भीड़ इकट्ठी नहीं की गई। कल डेलीगेशन जो बुलाया गया था सीएम आवास पर, सिर्फ सरपंचों का डेलीगेशन जाना था मैम। उसके अंदर जो हमारा जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें सरपंचों की और सेक्रेटरियों की दोनों की मांगे थी। उसमें जब हमारी दोनों की मांगे थी तो हम दोनों ही एक ही सिक्के के जो दो पहलू हैं तो दोनों ही जाएंगे, क्यों? उसमें दोनों की ही मांगे थी। जब कोई कार्य करना है किसी ग्राम पंचायत के अंदर कार्य करना है मैम, कोई हम कार्य करते हैं तो उसमें दिक्कत तो सरपंच को भी उतनी है उतनी ग्राम सचिव को है। जब हमने कोई कार्य पंचायत में करना है, कोई काम का प्रोसीजर है कि 1994 का जो एक्ट है उसके अंदर जो पंचायत में सर्वोपरि है, वो कोई भी कार्य है उसको तुरंत प्रभाव से कर सकती है। पर लेकिन इन्होंने उसके जो है उसको तोड़ मरोड़ करके, कोर्ट से भी हमने केस जीता उसको भी तोड़ मरोड़ करके इन्होंने ये जबरदस्ती थोप रहे हैं। ये चाहते हैं कि जैसे हरियाणा को एकदम ऊपर ले आना चाहते हैं, कि जैसे स्वच्छता में ये वो एकदम लागू करके हरियाणा को ऊपर ले आना चाहते हैं। बाकी इनकी कोई ये नहीं है, सरकार चारों तरफ से फैल है। जिस सरकार का राजा ही इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, इससे से गुआर आदमी भी बहुत अच्छा है। संजय शर्मा जी, आरोप ये लगे कि सीएम बुलाते हैं डेलीगेशन को और बिना मांगों को सुने उन्हें खारिज कर दिया जाता है, कि आपकी जितनी भी मांगे हैं सारी रिजेक्ट की जाती हैं। अभी पहले तो मैं अभी जो ढुल साहब ने राजा कहा, ढींगरा साहब ने मुख्यमंत्री को राजा कहा है, और मुख्यमंत्री राजा नहीं है, वो हरियाणा के सेवक हैं, 2.5 करोड़ लोगों के सेवक हैं, और वो सेवा करने में लगे हैं। उन्होंने कभी अपने आप को राजा नहीं कहा, राजा जैसा प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी बात जो अभी ढुल साहब कह रहे थे कि पत्नी वही कह रहे थे, ढुल साहब ने नहीं ये बात कही, ढींगरा जी कह रहे थे कि वोट लेने कैसे जाएंगे। देखिए वोट हम अपने काम के आधार पर लेने जाएंगे, आपसे पूछना नहीं आएंगे। राजा जैसा नहीं है, नहीं कोई राजा जैसा नहीं। देखिए अभी अभी मेरे मित्र, अभी जो हमारे सरपंच एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधि बैठे हैं शर्मा जी, अभी वो एक बात कह रहे थे कि 1994 के एक्ट में बदलाव किया जा रहा है उसके आधार पर नहीं गया। मुझे पहले ये अपनी बताएं तो सही कि 1994 के एक्ट में क्या बदलाव किया जाया है, 1994 के एक्ट के हट करके हमने क्या बात की है, इनकी मांग क्या है, जरा ये बताएं तो सही। यही स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग सरपंचों का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जितना अधिकार एक सरपंच को है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी नहीं है। सरपंच अपने गांव का मुखिया, वो कोई भी योजना बनाए, और हमने उस योजना को 20 लाख रुपए तक इनके हाथ में दे दिया है। 5 लाख से ऊपर का टेंडर ये लोग करें, स्थानीय कमेटी बनाकर ये हमने दे दिया। गाँव में हम ग्राम सचिवालय खोल रहे हैं ताकि ग्राम की पंचायत वहां बैठकर, पटवारी भी वहां बैठे, सेक्रेटरी भी वहां बैठे, वहां का सिस्टम बढ़िया हो, ई सिस्टम हो। तो ये हम सिस्टम को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं ना। हमने किनके अधिकारों को हमने नहीं किया, बुलाया जाता है, बात सुनी ही ना जाए, मांगे बिना सुने खारिज कर दी जाए, क्या ये बहुत सही है? क्या इसको जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए ज्योति, सरपंच प्रतिनिधियों को बुलाया था कि सरपंचों के जो प्रतिनिधि हैं वो आकर के बात करें, लेकिन दोनों चीजों को घाल मेल करके, क्योंकि एक समय में एक लोगों की जो समस्या उनको सुनकर उनका समाधान करना, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है।
दोनों का समस्याएं जो भी ये मांगे रख रहे हैं दोनों का आपस में कुछ नहीं है, उनकी अपनी समस्या है, उनकी अपनी समस्या है, वो अपनी बात को रखे, वो अपनी बात को रखे। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से नहीं कहा जिस तरह की बातें की जा रही है कि उन्होंने कहा कि दफा हो जाओ, निकल जाओ, हम नहीं तुम्हारी सुनेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया, बिल्कुल झूठा बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, उपस्थित थे नरेश धनखड़ जी, आप उपस्थित थे, क्या कहा गया था सीएम? मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए, तो यही कहा ना कि गिरफ्तार किए और यहाँ से बाहर निकाले। सुनिए सर, सीएम साहब ने कहा था ये बात, सीएम की ओर से बात कही गई की कंपनियों को बुला के इनको अभी बाहर निकाला जाए, बाहर निकाला जाए। देखिए शब्दावली का फर्क है, ऐसा नहीं कहा ज्योति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ सरपंचों से बात करेंगे, हम ग्राम सचिवों से अभी बात नहीं करेंगे, इनको बाहर जाने दीजिए और सरपंचों को बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे। ये बात कहा, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, ऐसा कोई शब्दावली प्रयोग नहीं गई। देखिए मुख्यमंत्री जो है वो विनम्र कितने हैं, देखिए कितने 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 वो विनम्रता से बात करते हैं, सरकार जिस तरह से बात करना चाहती है वैसे ही करेगी, नेता को बाहर निकाल दिया जाए, न्याय नहीं। सीएम की जी, सीएम जैसे भी बात करना चाहते हैं अगर वैसे बात नहीं हुई तो डेलीगेशन को बाहर निकाल दिया, डेलीगेशन को बाहर निकाल, सरपंच प्रतिनिधियों से बात करेंगे, फिलहाल ग्राम सचिवों से बात करेंगे, एक समय में एक ही बात हो सकती है, दोनों की ज्वाइंट तो वो एक्शन कमेटी या ज्वाइंट को, अगर तुम्हें ग्राम मांगे के बारे में बात करनी है सरपंचों को कहा था ये, अगर तुमने ग्राम सीओ के बारे में बात करनी है तो आप बाहर जाइए, अगर ग्राम सीओ से हटके बात करनी है, ग्राम सीओ तो अपनी बात करें ना, छोड़ के बात करनी है, देखिए जो तो मैंने शुरू में कहा उसके अंदर मैं भी था, जिसमें 10 हमारे ग्राम सचिव थे, 35 सरपंच थे, सभी जिलों से थे। जब हम अंदर गए 1.5 घंटा वेट करने के बाद सीएम साहब आते हैं बैठते हैं, सबसे पहले पूछते हैं हाँ जी हो गया, चलो कोई बात नहीं, सरपंचों ने सत्कार करा, खड़े होकर उनका सलाम करा, उसके बाद उन्होंने ज्ञापन मांगा, उनको ज्ञापन दिया गया, उन्होंने कोई उसके बाद उन्होंने कहा तुरंत मैं इसे रिजेक्ट करता हूं। फिर सरपंच साथी ने अपने पीछे से पूछ के पूछा भी, श्रीमान जी आप ये रिजेक्ट क्यों करते हो हमारी मांगों को, पहले सुनो तो सही, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि आपने सभी सरपंचों ने ग्राम सचिवों का साथ दिया, इसीलिए मैं आपकी ये सभी मांगों को अभी इमीडिएटली रिजेक्ट करता हूँ, निरस्त करता हूँ, बात करने का इससे ऊपर मेरे पास कोई ये नहीं। प्रकाश जी आपका पहला कमेंट, फिर ब्रेक पे जाएंगे। बताऊंगा कि पहले तो ग्राम सचिव जो है जैसे 4 के ऊपर होता है, 4 पंचायतों, उसके ऊपर कितने पंचों का, कितने सरपंच का प्रेशर होता है, और बेसिकली वो क्योंकि पुराना है, कई सरपंच नए बने हैं, इज ए गाइडिंग फिगर, तो उसको एज प्रवक्ता भी ले जा सकते हैं पंचायत के एजिटेशन में। दूसरी बात क्या है कि इस सरकार को आप शुरू से देखें, नेशनल लेवल पे हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में जाट नॉन जाट को फाड़ना है, यहाँ ग्राम सचिव उसको, आप ये बताओ इन्होंने कितनी आंगनवाड़ियों को वर्कर्स को सस्पेंड किया, जो इनको सस्पेंड कर दिया क्योंकि ये थोड़े थे, आंगनवाड़ी वाले बहुत ज्यादा थे, कितने रोडवेज वालों को सस्पेंड किया, कितने बिजली कर्मियों को सस्पेंड किया, यानी दोगली बात करनी है इसका। ग्राम सचिव जो है वो आप ये देखिए कि कम से कम 30-35 आदमियों से उसका होता है, पंच और सरपंचों को, एक 30-35 आदमियों की बात मान के नहीं चलेगा, और वो उनका गाइडिंग फिगर होता है, उसको बहुत सारे नए सरपंच हैं वो अपनी बात भी ना रख सके क्योंकि वो पुराना है, वो कैसे नहीं रखेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है इन दोनों को दो बांट करके उनकी वो कर दें, इस तरीके कमजोर करने की कोशिश। तो छोटी सरकार और सरकार आमने सामने है, आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है पंचायती सरपंच, पंच और ग्राम सचिव। हालांकि 9 ग्राम सचिव ऐसे रखे जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्री क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, वो सुने। विपक्ष को तो सत्ता से दूर है, और सत्ता से दूर है तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। संयोग से ऐसा है कि दोनों मेरी विपक्षी पार्टियां जो है वो किसान कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करती थी, काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने। मैं आपको 25 काम गिनाऊंगा, वो 4 काम भी गिना देवे, उनसे पूछना चाहिए, वो हमारे ही कामों के बारे में हमसे पूछते हैं इसका क्या हुआ। वो 4 काम गिनाए कि उन्होंने अपने समय में ये किया। हुड्डा साहब तो अपनी जो रिपोर्ट थी उसको भी लागू नहीं कर पाए, हुड्डा कमेटी की, तो ऐसी बड़ी फेलियर उनकी रही है। इसलिए उनको लगता है कि जो किसान कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके माध्यम से वो राजनीति करते थे उनके हाथ से निकल गई है, और ये किसान कॉन्स्टिट्यूंसी अगर पूरी तरह से हाथ से निकल गई तो उनकी राजनीति कहीं बचेगी नहीं, इसलिए उनका दर्द और वेदना स्वाभाविक है।
हालांकि किसानों की परेशानी तो थी ही, अब पंचायतें सामने आ चुकी हैं सरकार के, सरकार किस तरह से इस पूरी ही स्थिति को कंट्रोल करेगी ये भी बड़ी बात है, और मुद्दा कितना अभी गरमाना है इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। सुनील शर्मा जी, आप लोगों को परेशानी क्या है जब पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई गई उनको डिजिटल भी कर दिया जाए तो? मैम ऐसा है, जैसे ये प्रणाली के विरोध में सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं, ये विरोध ये नहीं है कि इसको लागू ना करा जाए, मैम विरोध ये है कि इसको लागू करने से पहले जो इसको चलाने के लिए जो साधन चाहिए वो पूरे किए जाएं। अभी हमारे पास जो है इस टाइम जो पंचायतें हैं 6233 पंचायतें हैं हरियाणा के अंदर, और अपने 1633 हैं ग्राम सचिव, 1633 ग्राम सचिव हैं, और जितने भी ब्लॉक जैसे 1503 हमारे पास ग्राम सचिवालय हैं। इन चीजों को चलाने से पहले, लागू करने से पहले हमारे को 700 दिए जाएं, जैसे उसके लिए नेटवर्क की, नेटवर्क हमारे पास मोबाइल के सिग्नल तक नहीं होते हैं मैम, तो ये नेट कहाँ से चलेगा? उसके लिए ग्राम सचिवालय भी चाहिए, ऑपरेटर भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, और सेक्रेटरी भी पूरे चाहिए, और एक ऐसे नहीं मैम भी, अब जो हमारे सेक्रेटरी हैं ग्राम सचिव हैं, एक सेक्रेटरी के पास अंदाजन 8-8 ग्राम पंचायतें आती हैं, तो वो किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे? पहले हमारे जो साधन है उनको पूरा कीजिए, उसके बाद लागू कीजिए, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। उसके अलावा मांगे क्या हैं आप लोगों के? हमारी मांगे ये हैं मैम, पहले जैसे क्या था, जैसे सरपंच था वो गांव के अंदर मुखिया होता था, जैसे आज भी है, पर लेकिन इस सरकार ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, कि पहले जो कार्य होता था गांव के अंदर ही बैठ के सारे काम किए जाते थे, कोई भी अफसर आएगा गांव के अंदर आएगा, उसको बैठेगा करेगा वो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज कोई भी कार्य करना है, जैसे कोई मनरेगा की काम करना है, पहले ब्लॉक जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कोई भी सरपंच कहीं भी जाता है कार्य कराने के लिए, तो उसके लिए स्पष्ट करो सुनील जी, थोड़ा कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मैम बताइए ना, आपकी डिमांड क्या है? सबसे पहले तो ई प्रणाली के 1994 के एक्ट में क्या संशोधन किया है सरकार ने, उसके हिसाब से कैसे काम नहीं कर रही, आप जरा ये बताएं, जो आपने पहले आरोप लगाया, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ई प्रणाली का हमारा विरोध है, तो फिर विरोध किस चीज का है आपका, जरा वो स्पष्ट तो करें, समझ में तो आए मैम? ऐसे मैंने ई प्रणाली के इसमें, हम इसको ये नहीं चाहते हैं कि इसको लागू ना करें, पर लागू करने से पहले जो इसको चलाने के लिए साधन चाहिए इमीडिएट। मैं बताता हूँ देखिए, जब हमारी सरकार आई, सरकार को आए 3.5 साल हो गए, हमने पहले साल ही ई प्रणाली लागू नहीं कर दी, पहले हमने सिस्टम क्रिएट किया, 1620 हमने ग्राम सचिवालय बनाए हैं, जिसके अंदर हमने हर जो ग्राम सचिव है, लगभग 1372 ग्राम सचिवों को हमने लैपटॉप उपलब्ध कराए, उनके लिए वाईफाई सिस्टम शुरू कराया, उनको हमने इंटरनेट कनेक्शन दिलवाया, हमने जो ग्राम के अंदर कंप्यूटर सेंटर खोले, ताकि कोई भी चीज सरकार के द्वारा चलाने वाली जो नीति है, जो कोई भी फार्म है, वो उस जो कंप्यूटर सेंटर है जो लोगों की सुविधा के लिए बनाया है, सुविधा केंद्र बनाया है, वहां से हर चीज को है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ ज्योति, देखिये हम वैज्ञानिक कहाँ पहुंच गए हैं, अमेरिका कहाँ पहुंच रहा है, दुनिया कहाँ पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में वही टेक्नोलॉजी वही चीजें लाना चाहती है, ताकि पारदर्शी शासन हो। हरियाणा तैयार है ना, अब पहले मुर्गी है पहले अंडा, हमने चीजों को शुरू किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दिक्कतें नहीं है, जब जीएसटी को शुरू किया था, जीएसटी को लेकर जितनी परेशानी आई, मैं वही बता रहा हूँ, 6 महीने में उसकी जटिलताओं को जटिलताओं को दूर किया ना, काफी जटिलताएं दूर हुई है, आने वाले समय में और भी कोई समस्या आएगी तो उसको भी दूर करेंगे, ऐसे ही हमने एक सिस्टम शुरू किया है, इस सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी दूर करेंगे, लेकिन चीजों को शुरू तो होने दीजिए, पहली बात तो ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये कह रहे हैं, शुरुआत अच्छी है, और हमने इसका स्वागत भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके 25 फरवरी को हमने इसका स्वागत किया था भूपणिया में, और उनसे ये कहा था कि इसके लिए हमें संसाधन उपलब्ध करवाओ, कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाओ, ग्रामीण क्षेत्र में डाटा उपलब्ध करवाओ, ये कह रहे हैं वाईफाई से जोड़ दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 500 ग्राम सचिवालय काम कर रहे हैं, ये 1600 बता रहे हैं, 500 ग्राम सचिवालय काम कर रहे हैं, और वहां भी मात्र 50-100 गांवों को छोड़ के कहीं भी वाईफाई नहीं है। अच्छा, वाईफाई तो कहीं है ही नहीं, और डाटा भी कहीं किसी को भी डाटा उपलब्ध नहीं करवाया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने अटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं कि नहीं, कंप्यूटर सेंटर शुरू किए हैं, अटल सेवा केंद्र जिसको 109 कामों का चार्ज दिया हुआ है, 109 रहेंगी, आप लोग तैयारी करते रहेंगे, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? गांव का विकास अगर बाधित होगा, जो कि सरपंच भी कहते हैं, आप लोग तैयारियां करते रहेंगे, आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर
मुझे कह रहे हैं जी आपको भी एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, हम तो चीजों को नीचे ले रहे हैं। जिस तरह की बात अभी हमारे धनखड़ जी कह रहे थे कि इतना बिजी रहता है, मुझे ये बताइए कि सरपंच 24 घंटे क्या काम करते रहते हैं डेवलपमेंट के, उसके लिए एक योजना बनती है, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। रोज 24 घंटे तो बिजी नहीं है ना, दिन में 12 घंटे तो बिजी नहीं है ना, कभी दिन में आधा घंटा एक घंटा दो घंटे काम करना पड़ेगा, मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन कोई हर समय कोई काम की प्रेशर थोड़ा ही है। ये जो चीजें हैं केवल मात्र एक ड्रामा या कुछ लोगों को अपने हित साधने के लिए किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि गांव में बैठे हर व्यक्ति को हर सुविधा पहुंचे, सरकार की सोच है। मैं आपको ऑनलाइन का घपला बताता हूँ जी। ये सिंपल, अगर जिसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, रिन्यू कराना है, आप जाए वहां, पहले आपको 5 से 10 रुपए में फॉर्म मिल जाता था, अब वहां जाते हैं, वहां लोग बैठे हुए हैं दुकानें खोले हुए जो 100 रुपए में आपको फॉर्म डाउनलोड करके देते हैं। उसके बाद फिर ऑनलाइन फीस जमा करानी होती है, ऑनलाइन फीस जमा कराने के लिए वो क्या करते हैं, वहां के क्लर्क भी अगर उनकी सवेरे तलाशी ली जाए कितने पैसे, आप उदाहरण दीजिए कहां 100 रुपए लिए जा रहे हैं, मुझे बताइए। आप नाम लीजिए, पंचकुला में बताइए किस सेंटर में, पंचकुला में 100 रुपए कहां, 100 रुपए मैं बता रहा हूँ, आप सुन क्या नहीं रहे, आप चलिए कल मेरे साथ, मैं आपको एक नहीं आपको 25 दिखा दूंगा। नहीं आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाद में बोलिए, बिल्कुल नहीं, बीच में मत बोलिए आप, और चलिएगा कल मेरे साथ पंचकुला, मैं आपको दिखा दूंगा। ऑनलाइन का देखिए, आप वहां जाके पता लगता है कि ऑनलाइन फॉर्म लेना पड़ेगा। अब आदमी आया है, उसके बाद देखिए ऑनलाइन फॉर्म हो गया आपका डाउनलोड, उसमें भर भी दिया उसने 100-200 रुपए जो भी लिए, उसके बाद 24 घंटे बाद आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, उसी दिन नहीं हो सकता, और उसके बाद तीसरे दिन आपको वहां जाना है, जो कि पहले दिन क्या होता था, फॉर्म लिया भरा और वहीं जमा करा देता था। कितना ऑनलाइन का मतलब है कि टाइम कम हो ज्योति, लेकिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से चीजें तेजी से होती है कि स्लो होती है, मैं बता रहा हूँ, मैनुअल चीज को अच्छा बता रहे हैं, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ है, बैठे बैठे कुछ भी कहते रहिए, आप चलिए कल मेरे साथ, चीजें मिल रही है जी, आप घर बैठे लाइसेंस मिल रहे हैं, 10 गुना शर्त लगा लीजिए मेरे साथ, आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपको 1,00,000 दूंगा, क्या फैसला अच्छा नहीं है, दिखा दूंगा, बात करते हैं आप, हमने झूठ बोलने के अलावा भाजपा को कुछ नहीं आता, चाहे मंत्री हो प्रधानमंत्री हो कोई, देखिए बिल्कुल सीधी बात है, उस दिन हमने इस बात पे डिबेट की थी ज्योति कि ई पंचायतों में किस प्रकार की समस्याएं, जैसे हमने बात की थी कि जो गांव के जो बेसिक काम है, ये पंचायती राज एक्ट की बात करते हैं, सबसे पहली जो मांग है जो शायद संजय शर्मा जी को समझ में नहीं आई वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी मांग ये है, अरे सर बात करने देंगे बीच में, मुझे समझ नहीं आई ना, समझाई नहीं, मैं कह रहा हूँ संजय जी को शर्मा ने समझ नहीं आई, मैं समझा रहा हूँ, डेलीगेट कैसे करेंगे, किस तरीके से बात कर रहे हैं, इस बात पे सरपंच एक बार नहीं बोले, कम से कम हजारों बार बोले। पहली बात ये है कि गांव के अंदर जो फंड आता है ग्राम पंचायत का, उसका पहला और अंतिम अधिकार ग्राम पंचायत के पास है, सरकार के पास में नहीं है उसका अधिकार। तो जिस प्रकार इन्होंने ई पंचायत लागू की है उसमें उसके एक एक फंड के यूटिलाइजेशन का सारा अधिकार जो है ऊपर अधिकारियों के पास दिया गया है, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ई पंचायत में आपको एक एक यही तो खुद कर सकता है सरपंच, अरे खुद नहीं कर सकता बिना अप्रूवल के, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, 5 लाख से ऊपर का आपको टेंडरिंग करनी पड़ेगी, टेंडरिंग, अरे यही तो मैं कह रहा हूँ आप, किसी बात टेंडरिंग करने के लिए सरपंच भी उसमें है, बड़ा सीधी बात है, मैंने कहा कि इनकी जो पहली मांग है वो यह है कि पहला और आखिरी अधिकार जो है पंचायत के पास में है, इनको अप्रूवल देनी है, किसी भी सरपंच को अप्रूवल लेने से कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कार्य करवाने का पहला और अंतिम अधिकार पंचायत के पास होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर दो, जो घर के जो आपके गांव के छोटे से छोटे काम या बड़े से बड़े काम जो इनकी ई पंचायत का पोर्टल है उसके ऊपर अप्रूवल के बिना आप उसे नहीं पूरा कर सकते, आपको अप्रूवल पहले प्रायर लेना पड़ेगा, हर चीज की प्रायर सेंक्शन लेनी है, तो ग्राम पंचायतों का मतलब क्या रह गया, आप वहां पर अधिकारियों को लगाइए, आप उनको अधिकारियों पहले बिल्कुल काम करेंगे बिल सबमिट करेंगे, पहले काम करेंगे आप बिल सबमिट करेंगे, सरकार उसके हिसाब से उसको अप्रूव करेगी। ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो जो ये इन्होंने अप्रूवल का नया ट्रेंड शुरू किया है, यहाँ पे इनकी जो इनके मंत्रालय है वो तो जाकर के ग्रांट बांट देते हैं, क्यों सरपंच अपनी ग्रांट नहीं इस्तेमाल कर सकता, आपके मंत्री ज्यादा बड़े हैं, मैं कहता हूं गांव का पंचायत का एक मेंबर भी इनके मुख्यमंत्री से बड़ी हैसियत रखता है, ये किस प्रकार की बातें करते हैं, मैंने कहा, मैं तो खुद कहा है, मैं कह रहा हूं सरपंच के ज्यादा अधिकार हैं, बंधक क्यों बना दिया, कहां बंधक बनाया, आपने उसे बंधक क्यों बना दिया, केवल
चीजों को डिजिटलाइज करके ताकि दिखावा है, जैसे एस्टीमेट बनते हैं। चलिए सरपंच साहब से जानेंगे, पहले भी तो मेरी होती है, सरपंच को एस्टीमेट बनाते हैं, उसको नहीं लेता था क्या? पहले मैनुअल लेता था, मैनुअल है वो, ताकि फास्ट काम हो, सिस्टमैटिक हो, ट्रांसपेरेंसी से हो। वहां से रूल नहीं होती थी मैम। चलिए सुनील शर्मा जी, रूल को लेकर कितनी परेशानियां होंगी आपको? संजय शर्मा जी सुनिए, सर सुनिए, सरपंच को सच तो जानिए मैम। ऐसा है जैसे उसके अंदर हमने कोई कार्य करना है पहले, तो हम उसको ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में मैनुअली उसको पास करके कोई भी कार्य करा सकते थे, पर लेकिन जो ई प्रणाली है, ई प्रणाली के अंदर ऐसा है मैम, पहले उसको हमने जैसे उसको ग्राम प्रस्ताव पास कर लिया, उसके बाद जीपीटीपी के अंदर उसको डाल लिया, उसके बाद उसको क्या होगा जब वो हमने पास कर लिया ना, जैसे पास करने के बाद हम काम कर लेते थे, पर लेकिन अब अपने को क्या है, पहले उसको जीपीटीपी के अंदर डालना पड़ेगा, काम करने के बाद उसको सैंक्शन हो गया, पास हो गया पंचायत की तरफ से, उसके बाद जाएगा प्लान प्लस में, प्लान प्लस में पास कराने के बाद फिर जाएगा इसमें एक्शन सॉफ्ट में। जब ये अपने जब वहां पे नेट पहले चलता ही नहीं मैम, तो इसके लिए पहले अपने को आप चार चार इससे गुजरना पड़ेगा, पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जेई से वो लेना पड़ेगा, एसडीओ से लेना पड़ेगा, बीडीओ से लेना पड़ेगा, उसके बाद उसकी जो दो रसीदें निकलेगी, एक बैंक में जमा करनी पड़ेगी, एक पंचायत ब्लॉक में जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कार्य के लिए कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री ये कहते हैं कि ज्यादातर मांगे जो है मान ली गई हैं, दो मांगों को छोड़कर एक बार उनको सुनते हैं। देखिए सेम हाउस में सरपंच मुख्यमंत्री जी को मिले हैं, उसकी खबर भी आप तक आई, और सीएम साहब ने दो बातों पर एतराज जताया, इसके सिवा कुछ नहीं, मैं भी वहाँ था। उन्होंने कहा कि आप सब लोग एक डिप्टी कमिश्नर की बदली की मांग लेकर आए हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं और ग्राम सचिव सरकार के कर्मचारी हैं, दोनों मांग कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग लगाइए तब सुनूंगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और उसके बावजूद उनको छोड़कर 15 सरपंच वहां आए, और जिन्होंने कहा कि साहब हम ई पंचायत को जो उन्हीं में से थे लागू करना चाहते हैं, वार्ता करके थे, हमको कुछ सुधार चाहिए। तो चर्चा में आगे बढ़ेंगे, केवल ढिंगरा जी आपके पास भी आएंगे। धनखड़ साहब, अभी आपने सुना ओपी धनखड़ को, जिनका कहना है कि दो मांगों को छोड़कर जो कि जायज नहीं थी, बाकी मांगे मान ली गई हैं सीएम की ओर से और खुद उनकी ओर से भी। जी ऐसी कोई बात नहीं है, जब बात सुनिए नहीं तो मांग कहां से मान ली जी? 15 सरपंचों का ये अलग से डेलीगेशन, कोई भी सरपंच जो डेलीगेशन में हमारे साथ गया था वहां कोई भी सरपंच नहीं बचा था। उसके बाद कोई सुखवीर, अपने माननीय विधायक जी हैं सुखवीर मन डी जी, वो अपनी गाड़ी में बिठा के लाए थे 8-10 सरपंचों को, सरपंच भी नहीं थे, सरपंच तो दो थे उनमें, बाकी कोई सरपंच प्रतिनिधि वगैरह बताए जा रहे हैं, बाकी कोई भी डेलीगेशन से आया हुआ कोई भी सरपंच वहां नहीं रुका था, क्योंकि सबको धक्के दे के बाहर निकाल दिया था, रुकना तो कौन था। क्या ये बरगलाने की या कमजोर किए जाने की कोशिशें हैं कि सुखवीर मांडी जो है, सुखवीर शोरान जो है, वो अपने साथ डेलीगेशन को लेकर पहुंचते हैं और फिर कह दिया जाता है कि मांगे मान ली गई दो मांगों को छोड़कर? देखिए ये राजा नहीं सेवक है, ये जो सेवक मुख्यमंत्री हैं ये राजनीति कर रहे हैं इनके साथ, ये इनके साथ इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि जो सरपंच मांग के लिए गए थे उनको तो किया सस्पेंड, ग्राम सचिवों को और 9 सस्पेंड कर दिए, और जो लोग अपना डेलीगेशन खुद लेके आए थे उनकी इन्होंने मांगे मान ली, उनकी मांगे खुद ही रखवाई और खुद ही मांग ली। अब ये है झूठा बुलावा जो लोगों को दिखाया जा रहा है। हाँ। और यही काम जो है ग्राम सचिव और ये कर रहे हैं, इनके साथ मुख्यमंत्री ये लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो पीएम और जो चौकीदार बने हुए हैं हमारे पूरे देश के, वो नीरव मोदी माल्या वो सबको भगा रहे हैं यहाँ से, और सारा बैंक लूट लूट के वो लोग भाग रहे हैं, और चौकीदार जी उनको देखते जा रहे हैं। ये काम तो कर रही है सरकार ऊपर सेंटर की, और ये कर रहे हैं स्टेट के। अब आपको दूसरी बात बताऊं, ई प्रणाली के अंदर जब इलाके के अंदर बिजली नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सिस्टम नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, आप उन लोगों को राजीव गांधी ने पंचायतों को अधिकार देने के लिए, मैं एक बात नहीं पूरी होने दे, राजीव गांधी, एक मिनट मैम थोड़ा बात, राजीव गांधी ने पंचायतों को अधिकार देने के लिए नियम बनाए थे, और पंचायतों को सीधा पैसा देने के लिए और काम करने के लिए नियम बनाए थे, इन लोगों ने सभी चीजों को निरस्त कर दिया है। सुनील शर्मा जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, ज़ूम करेंगे, दिखाएंगे। 45 लोगों का डेलीगेशन गया था, उसके अंदर सभी सरपंच हमारे ग्राम सचिव वापस आ गए थे, उसके बाद जो वहाँ के कोई विधायक थे वो विधायक अपनी गाड़ी में बैठा के इन लोगों को लेके आए, वो ये लोग हैं।
हम लोग डेढ़ घंटा वेट करते हैं, वो भी एक पार्क में बाहर ग्राउंड में, और ये लोग देखो सोफे के अंदर अंदर बैठे हैं। मैम इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कैमरे भी थे, फोटो भी थी हमारे पास। अब जवाब दे दीजिए, सुखवीर मांढी के साथ जो डेलीगेशन जाता है, क्या वाकई उनके साथ मांगे मान लेना समझ लिया जाए कि मांगे मान ली गई सरपंचों की? मुझे बताओ इसका मतलब ये है कि जो सरपंच गए हैं साथ में, इन लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। अगर सरपंच जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में ही जो लोग लगे हुए हैं उन्हीं के प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के पंचायत मंत्री के साथ बैठ करके अपनी बातें रखता है जो बातें, क्योंकि या तो फिर ये बरगड़ा के लाए सब सरपंचों को। अगर सभी सरपंचों को पता है कि हमारी डिमांड्स क्या है, हमारी मांगे क्या है, और उन मांगों को वो सामने रखते हैं, उन सब मांगों को लगभग मान लिया जाता है, और वो मतलब सिर्फ गलत फहमी के अलावा और कुछ नहीं है। मांगे जो इनकी हैं उसमें सरकार कहीं भी लोगों का डेलीगेशन गया था उनको सुनने में परेशानी क्यों थी? नहीं, परेशानी नहीं थी। फिर मांडी जिनको लेकर आते हैं उनको सुना जाता है, उसके बाद मीडिया को बता दिया जाता है कि दो मांगों को छोड़कर बाकी सारी मांगे। अभी अभी आदरणीय पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी यही बात तो बता रहे थे कि जनप्रतिनिधि अलग है, सरकार के कर्मचारी अलग है, तो जनप्रतिनिधियों की जो डिमांड है हम उनसे बात करेंगे, अलग से बात वो भी रख सकते हैं, वो अलग होती है। तो हमारी अलग से है ना, वो अलग से बात करनी होती है ना जी, वो अलग से लेकर उनकी अपनी दिक्कत। दोनों की मांगे सुन लेते ना संजय शर्मा जी, दोनों की मांगे सुनने में क्यों परेशानी है? जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, साथ में बुलाए गए थे। संजय शर्मा जी अभी सुना आपने, जो हमारे ग्राम सचिव को माध्यम से ही हम सबको बुलाया गया था, अब दोनों साथ बुलाए गए थे, ये तो एक बलकलाने वाली बात है। और एक जब उन्होंने देखा हमारा ताना बाना बिगड़ चुका है, फिर जाके उन्होंने देखा भी हमारी बेइज्जती हो रही है। पहले भी बहुत सारे मामले इस तरह के सामने आते हैं कि किसी यूनियन के साथ सरकार बैठक करती है और वहां सहमति बन जाती है, लेकिन 45 आदमी जाते हैं तब तो सुनी नहीं जाती, उनमें सिर्फ 9 ग्राम सचिव हैं, उसके बाद 8-10 आदमी जाते हैं जो इन्होंने दिखाया उनकी सुनी जाती है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये सरकार जैसे मैंने पहले कहा था जाट आरक्षण के 2 गुट बना दिए जी, उधर सैनी और उसको करा दिया, यानी ये सरकार सिर्फ बांट के राज करना चाहती है जो अंग्रेज करते थे। ये कभी भी जनता के प्रतिनिधियों को सुनना ही नहीं चाहती किसी भी हालत में। अब मैंने कहा ये कहते हैं मेरे साथ चले कल संजय शर्मा जी, और मैं दिखा दूंगा उसका ये प्रणाली का जो पोल खुली है, तो सबसे बड़ी बात है मैंने बताया कोई इस तरीके की बात। आप रोज दुकानदार ने देखिए, अगर दुकानदार नहीं है सरकार की तरफ, चलिए उस विषय पर कभी चर्चा कर लेंगे, उस विषय पर कर लेंगे कभी विस्तार से करेंगे चर्चा जी। सुनील शर्मा जी, मैम इनका ऐसा है ये जो सरकार बनी है, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जो भी करते हैं धक्काशाही से कर रहे हैं। आज इनके एमएलए मंत्री भी इनसे दुखिया पर लेकिन बोल नहीं चाहते। आज भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान दोपहर में देखो, मंत्रियों की चिंता हम मना करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह हम आपको भी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हम आपको साथ लेकर सरकार के डेवलपमेंट के काम करवाएंगे, हम आपसे अलग नहीं है। सरपंच हमारे गाँव के अंदर छोटी इकाई है जो सरकार की नीतियों को नीचे इम्प्लीमेंट करेगी, हम आपके माध्यम से बीजेपी के उम्मीदवारों को या मंत्रियों को गांव में घुसने नहीं देंगे, जिस तरह की बसलूकी की गई है जो कि सरपंचों का कहना है। मैम ऐसा देखिए ये बात ये है कि सारे लोगों के साथ सरकार जो है वो धोखा कर रही है, वो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए सरपंच हैं, 1600 गांव हैं, उनके सरपंच हैं, ग्राम सचिव हैं, पंच हैं। आप लोग उनको दो फाड़ करेंगे तो हरियाणा के अंदर ये मैसेज जाएगा कि आप लोग इस तरह से जिस तरह से बाकी दलों के साथ बाकी लोगों के साथ आप शरारतपूर्ण व्यवहार कर रहे हो, इसी तरह इनके साथ भी कर रहे हो आप। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी का जो है ये एक दोगला रवैया सारे लोगों के सामने आ रहा है, और हरियाणा की जनता के सामने आ रहा है। ढुल साहब समाधान ये भी हो सकता था अगर सरकार चाहती कि बैठ के मुलाकात करके मांगे सुन ली जाती और कहा गया कि तैयारियां कर लीजिए तो तैयारी के साथ फैसला लागू कर दिया जाता। निश्चित रूप से स्टाफ लेकर के आना पड़ेगा, सरपंच ये डिमांड कर रहे हैं कि स्टाफ लेकर के आइए उसके बाद में लगा लीजिए, मना किसने किया है? जबरदस्ती आपने उसको, मैं वही बात, समस्या यही है ना कि भारत में सबसे पहले इनको कथित रूप से दिखाना है, इसलिए रेल पेल रहे हैं उनको, यहाँ पे सारी की सारी पंचायतों की धजिया उड़ा के रख दी। क्यों, किस लिए बैठे हैं ये पंचकुला के अंदर? इनकी पीड़ा को इनको इनको समझ नहीं आया, इन्होंने तो जाकर के भरना नहीं है, जाकर के वहां पर जो ई प्रणाली के अंदर जाकर के इनको अपने जो ये अपलोडिंग करनी है सिस्टम, इनको चाहिए था यहाँ पर सबसे पहले इनको बिठा करके कार्य करते, फेज वाइज स्टेप वाइज इनको काम करना चाहिए था। ये कोई तरीका थोड़ी ना, एक तरीके से सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया जिनमें आप भी शामिल हैं, आगे रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति बैठ के अभी
आज हमें आदेश मिले हैं, इसके बाद में हम अपनी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी स्टेट कार्यकारिणी का फैसला होगा उस पे हम कार्रवाई अपना आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जी सुनील शर्मा जी, लगता है सरकार मानेगी। मैम ऐसा है, हम ग्राम सचिव हमारे साथ थे, हम इनके साथ हैं, साथ रहेंगे पूरे हरियाणा बॉडी की तरफ से एक है मैम, पर लेकिन ये जो भी कर रहे हैं, ये जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय शर्मा जी, क्या सरकार के लिए महंगा सौदा नहीं होगा जब कहा जाए कि बीजेपी के जितने भी नेता होंगे उनको गांव में ही नहीं घुसने देंगी पंचायतें सरपंच? देखिए, हम लाभ हानि महंगा सस्ता इस विषय में नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार हरियाणा को विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहती है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार करना चाहती है, उसके लिए हमें हर किसी के सहयोग की जरूरत है। तैयारी है, तैयारी के आधार पर चीजों को लागू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धनखड़ जी, कोई भी चीज शुरू करते हैं उसमें दिक्कतें आती है, नया जूता भी पहनते हैं तो वो भी काटता है, तो सिस्टम को बदलने में ये स्वाभाविक रूप से दिक्कत है, क्योंकि हम उन दिक्कतों को समाधान करना चाहते हैं, उनको हम ठीक करना चाहते हैं। टांगे के आगे घोड़ा लगाना चाहते हैं हर जगह, आपको पंचकुला की एग्जांपल दे दी, वही वहां है। आप ये बताइए, 6500 आदमी सरपंच बैठे हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और 6 आदमियों को लाके ये कह रहे हैं कि फैसला हो गया, ठीक है, ये कोई तरीका हुआ? वो जो 45 गए थे उनकी क्यों नहीं सुन ली थी ऐसी, वो क्यों दुखी हो गया? नहीं, आगे चर्चा के लिए शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा ये थी कि छोटी सरकार जो है सरकार के सामने आ चुकी है, आर पार की लड़ाई हो रखी है, आगे इस मामले में किस तरह का मूड आ सकता है वो दिलचस्प होगा देखना।